हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू चौरासी एग्रो फार्म। सो मेरे जो खेत है, मैंने जो भिंडी लगाया था उसके बारे में आज अपडेट देने के लिए ये अपडेट वाला वीडियो है। भिंडी जो हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है, वो लगाया था 5 फरवरी को, 4 या 5 फरवरी को 2022, और आज के डेट पे है आपका 17 तारीख है, आज 17 मार्च 2022। लगभग ये 1.5 महीने के करीब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली अच्छे से बढ़ नहीं पाया भिंडी, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो है बहुत दिक्कत हो रहा था। ये जो पानी है आप देख रहे हैं, ये हमने कल दिया था पानी, ठीक है, और अभी भी देखिए वो जो भैया है उधर पानी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी है ये हमने कल दिया था, कल देने के बाद आज उधर जो हमारा पम्पकिन लगाया हुआ है उस पर वो पानी दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं 1 महीने में ये जो वेराइटी है वो सकाटा का है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा पौधा है, मतलब तो इस पर आप देख सकते हैं ये छोटा मोटा एक फूल आ चुका है। तो ये जो कंपनी क्लेम करती है कि 45 डेज़ में आपका पहला फ्रूटिंग आ जाएगा, हमें मुझे लगता है कि हाँ वो सही है, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे कि ये इस पानी को अगर मैंने पहले दिया होता तो शायद ये भिंडी का ग्रोथ जो है और अच्छा हुआ होता। और इस पर आप देख सकते हैं कोई भी खाद हमने नहीं डाला है, बस लगाने के टाइम पर। अगर आपको चाहिए तो आप वो वाला भिंडी देख सकते हैं, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उस टाइम पर हमने बस गोबर दिया था और गोबर देके जस्ट बीज लगा दिया था। तो इस पर जैसा कि सार भी हम लोगों ने कुछ प्रयोग नहीं किया है, उसके अलावा इसमें जो है पानी भी सही टाइम से नहीं दिया गया है, तो इस वजह से थोड़ा ग्रोथ स्लो है। ये देखिए, ये जो भिंडी है यहाँ पर, 3 भिंडी, 1 2 3, 3 भिंडी एक साथ आ रहा है। तो वेराइटी तो चलो सही लग रहा है मुझे, सकाटा का है, यही मुझे सबसे अभी तक तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो हर पौधे, इस पौधे पर भी देखो आप, इसमें भी देखिए, तो हर पौधे पे लगभग फ्रूटिंग्स तो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सब तो छोटा छोटा पौधा है, इस पर जैसे कि कुराई खुनाई भी नहीं हुआ है कुछ, एक बार भी बस लगाया हुआ था, बस उसी से अभी तक का ये रिजल्ट है। तो अगर हमने कुछ जतन किया होता इसका तो शायद हुआ होता, और अभी तो मैं कुराई भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ अभी जैसे बहुत सूखा पड़ा है, मार्च का महीना है, बहुत सूखा पड़ा है अभी। तो इतना सूखा होने के बाद अभी अगर हम कुराई करते हैं तो मिट्टी जहाँ उल्टेगा फिर वो जल्दी से सूख जाएगा, बारिश का तो कोई आसार लग नहीं रहा है अभी। तो इसी वजह से अभी हम कुराई नहीं करेंगे, बस ये पौधा जो है वो बच के रहना चाहिए, और जहाँ मार्च अगले महीने में जहाँ बारिश शुरू होगा, एक आध बार बारिश हुआ उस टाइम पर कुराई करके उसके पौधे के पास जो है मिट्टी उट्टी सब दे देंगे। तो ये सकाटा का वाला वेराइटी है, ये पैकेटी है, तो अच्छा वेराइटी लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सा मतलब क्या। ये हो गया भिंडी का अपडेट। उसके बाद इसी में जो है सिंजेंटा का भी लगा हुआ था, लेकिन सिंजेंटा वाला का ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देखो इस साइड पे सिंजेंटा का लगा था, लेकिन पौधा तो छोटा छोटा ही है पौधा अभी तक। हाँ, कुछ दिनों के बाद लगाया था, मतलब 1-2 दिन के बाद लगा था, लेकिन 1-2 दिन में इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, छोटा छोटा ही है वो अभी, सकाटा के कंपैरिजन में तो छोटा है, ठीक है। तो बस यही अपडेट था। ये इसमें भिंडी में अभी पानी दे दिया, कुछ तो मर गया, मतलब ये पानी बहुत दिनों से, 10 दिन पहले से ही मैं बोल रहा था पार्टी को कि हाँ पानी दे दो, पानी दे दो, उसका कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वो पानी नहीं दे पाया, और अपना तो मशीन वशीन है नहीं, तो इसीलिए पानी नहीं दे पा रहा था। तो कल के दिन पे पानी दिया, बहुत मेहनत हुआ कल पानी दे के, और बहुत बिजी था उस टाइम पे, मन नहीं किया कि हाँ एक साइड से पानी भी दो और दूसरे साइड से वीडियो भी बनाओ, इस वजह से नहीं बनाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भिंडी जो है काफ़ी छोटा ही है, ये देखिए तो भिंडी जो है काफ़ी छोटा ही है, इधर वाला जो सिंजेंटा का वेराइटी है वो भी काफ़ी छोटा ही है। बस सकाटा वाला जो है उसका ग्रोथ भी अच्छा हुआ है अभी तक, और उस पर फ्रूटिंग्स भी आने लगा है 45 डेज़ में। बस इतना ही है गाइस अभी। और इस साइड पे भी तो भिंडी लगाया था, तो यहाँ पे थोड़ा जगह हमने भिगाया है पानी से, और आज जो है वहाँ पे जब पम्पकिन में हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे फिर पानी छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी जो भिंडी लगाए थे वो भी भिंडी, मतलब 2-2 पत्ते का तो हो गया किसी किसी जगह पर। ये देखिए, ये राधिका वेराइटी है, इसका देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है।
तो यही है, अभी वहाँ वहाँ से उठा के यहीं पे पानी लगाएंगे। कल के दिन पे 12:30 बजे पानी लगा था, फिर शाम को 6 बजे तक पानी चला, तो आप जोड़ लीजिए कितना खर्चा हुआ। और आज के डेट पे अभी मॉर्निंग से लगाया, लगभग 3 घंटे के आस 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास हो गया है। आज के डेट पे मैं यहाँ पे नहीं था, बस मेरा जो जो मेरे भैया यहाँ पे काम करते हैं वो थे। तो मॉर्निंग से लेकर अभी तक कितना टाइम हुआ है उन्हीं को पता होगा शायद, या शाम को हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट है। कल अभी जो पानी दे रहे हैं उसका रेट जो है 350 रुपये 1 घंटे का है। तो लास्ट में पानी देना पूरा ख़त्म हो जाए फिर बताऊंगा कि कितना खर्चा हुआ पानी के पीछे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये देखिए कच्चू, यहाँ पर थोड़ा पानी गिरा था तो इस जगह से कच्चू निकल गया। ये देखिए ये भी कच्चू निकल गया, ये भी है कच्चू, जो कच्चू हमने कच्चू लगाया था वो अभी निकल रहा है बाहर। तो बस इतना ही है गाइस, इसमें भी पानी दे देते हैं आज, और बाकी इसका हो गया। पंपकिन के लिए अलग से कभी वीडियो बनाएंगे कल परसों। ठीक है, फिलहाल तो भिंडी का बस भिंडी ही दिखाना था। और इस पर अभी काम ने आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा घास हो गया है, लेकिन ये महीना ऐसा है ना अभी, तो अभी अगर भिंडी में मैंने काम करने के लिए भैया को बोला, अगर उन्होंने यहाँ पे काम किया, तब आप देखोगे कि वापस से मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगा। और पानी देने में इतना खर्चा हो रहा है ना, जितना इनकम नहीं होगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी मतलब इस पे काम करवाऊँ भिंडी पे। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा प्रोडक्शन कम ही मिले चाहे ना ही मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पानी जब गिरे तो उसके बाद फटाफट काम करवाएंगे इस पे। खाद उद जो भी देना है या गोबर ही अगर देना है तो गोबर दे के उस टाइम पे करवा के, और मिट्टी जो है उसके पास पास में दे देंगे पौधे के। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था अपडेट आज का भिंडी का। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।